तो हमें आज वैल्यू एडेड मेथड के ही न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। तो इसका मतलब है कि दो फर्म्स हैं ए और बी, हमें इनके वैल्यू एडेड निकालने हैं। और बी में कह रहा है जीडीपी एमपी निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना बस। आपको ये याद है वैसे जब स्टार्टिंग में मेथड समझाया था तो मैंने कहा था कि हमारे देश में बहुत सारी फर्म्स होती हैं और हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी फर्म्स को वैसे तीन मेन सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो हालांकि यहाँ पर उतने सारे नहीं दे रखे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खाली दो ही फर्म्स हमें बता रखी हैं, एक बता रखी है ए और एक बता रखी है बी। तो मान लेते हैं देश में दो ही फर्म्स हैं ए और बी, ठीक है। तो हमें पहले ए फर्म का वैल्यू एडिड निकालने को कह रहा है, फिर वो बी फर्म का वैल्यू एडिड निकालने को कह रहा है। तो ये बताओ, आपको ये याद है कि जब हम सारे फर्म्स के अगर वैल्यू एडिड को जोड़ लेते हैं, मतलब सिग्मा वैल्यू एडिड कर लेते हैं, तो क्या बनता है? जीडीपी एमपी बनता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, दो बातें, जैसे पहले उसने पूछा वैल्यू एडिड बाय फर्म ए और फिर पूछा वैल्यू एडिड बाय फर्म बी। तो जब हम ये आंसर निकाल लेंगे और हम इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आंसर आ जाएगा? जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं आपको करवाता हूँ कि एग्जाम में भी कैसे करना है ना। तो प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट हो गई और फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी। तो आप लिखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है हमें जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और तीन लाइन छोड़ के वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो हम दो अलग अलग फर्म्स का वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं। और एक बार ओरली सुनाओ वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। मेन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकालते हैं हम, प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। तो हम ये लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो अब आप लिखो जैसे इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब ये तो हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, इतना पोर्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला ताकि याद हो जाए। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसको बोलते थे, मतलब याद है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये मतलब मैं ऐसी बस दोबारा लिख देता हूं, आप चाहे मत लिखो। इसका मतलब होता था कि अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर कहूं फॉर्मूले का मतलब, तो बेचना माइनस खरीदना, ये हो गया फॉर्मूला। तो सेल्स माइनस परचेज, सिंपल अगर देखें हम, ठीक है ना। तो पहले हम ए फर्म की बात करेंगे। ए फर्म के बारे में देखो क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले दिया है एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, फर्म ए ने एक्सपोर्ट्स करे 200 रुपए के। तो अब फर्म ए ने एक्सपोर्ट्स करे तो इसका मतलब फर्म ए ने ये बेचा है बाहर विदेशों में। तो आप फर्म ए वाले में सेल के नीचे 200 लिख लो। फिर उसके बाद दिया है इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, फर्म ए ने इंपोर्ट करा है तो इसका मतलब फर्म ए ने ये क्या करा है, खरीदा है, परचेज करा है। तो ये आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नीचे लिख लो, माइनस 500। उसके बाद दिया है सेल्स टू हाउसहोल्ड्स बाय फर्म ए, फर्म ए ने हाउसहोल्ड्स को बेचा 900। तो इसका मतलब ये भी फर्म ए की सेल है, तो ये भी आप फर्म ए की सेल में ही लिख लो 900। अब ये पॉइंट जो होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जिसमें इंटर फर्म ट्रांजैक्शन हो रही होती है, मतलब एक फर्म दूसरे फर्म को दे रही है या बेच रही है या खरीद रही है कुछ भी,
तो इसमें थोड़ा सा हमें सतर्क होना पड़ता है। अब जैसे उसने बोला सेल टू फर्म बी बाय फर्म ए, इसका मतलब है ए ने बी को बेचा, है ना, इसका मतलब है फर्म ए ने फर्म बी को बेचा। तो अगर फर्म ए ने बेचा तो इसका मतलब फर्म ए की तो सेल है ये, तो फर्म ए की तो मैं सेल के नीचे जोड़ के लिख लूंगा 400। ओके, अब फर्म ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, तो इसका मतलब बी के लिए क्या है, ये परचेज है ये। तो आपको ये बी के मतलब इधर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह माइनस करके लिखना पड़ेगा 400, क्योंकि अगर ए ने बी को बेचा तो मतलब ये लिंक जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ए के लिए सेल हो रही है लेकिन बी के लिए ये एक तरह से क्या हो रही है, परचेज हो रही है। तो समझ आ गया, इंटरफर्म ट्रांजेक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अच्छा अब अगला पॉइंट आप बताओगे। अगला पॉइंट में लिखा है सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया, तो फर्म बी ने बेचा है और ए ने परचेज करा है, तो इसका मतलब अब जब इसको आप लिखोगे तो फर्म बी के लिए तो सेल के नीचे लिख लो, तो फर्म बी ने बेचा है और किसे बेचा है, फर्म ए को, तो ए के लिए ये एक तरह से परचेज हो गई, तो इसको आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नीचे माइनस कर दो। तो समझ आ गया इंटरफर्म ट्रांजैक्शन सब बच्चों को। चलो तो बस ये मेन होता है, बाकी लास्ट पॉइंट में है सेल्स टू हाउसहोल्ड्स बाय फर्म बी, तो फर्म बी ने हाउसहोल्ड्स को बेचा है तो ये क्या हो गई, फर्म बी की सेल, तो फर्म बी की सेल के नीचे ही लिख लो प्लस 600। बस अब चेंज इन स्टॉक दे नहीं रखा तो वो आप छोड़ दो, वो आपका जीरो हो गया, तो जो चीज नहीं दे रखी वो जीरो छोड़ दो। तो बस ये आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो। तो पहले ए का आंसर निकाल लेते हैं, तो 200 और 900 1100 और 400 1500, तो ये आ गया पॉजिटिव, और माइनस 800, तो ए का आंसर आ गया 700। ठीक है, क्लियर। और इसी तरह बी का भी सॉल्व कर लो, 900 माइनस 400 तो बी का आ गया 500, तो सबको क्लियर हो गया। और फिर आप दूसरी रिक्वायरमेंट बता सकते हो कि जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड ए फर्म का प्लस वैल्यू एडेड बी फर्म का, तो 700 ए फर्म का वैल्यू एडेड और 500 बी फर्म का वैल्यू एडेड, तो इसका मतलब वैल्यू एडेड कितना हो गया, 1200, मतलब जीडीपी एमपी 1200। ठीक है, सबको क्लियर है भाई। चलो तो अब इस तरह से बस और सवाल करते हैं, और वैरायटी। आओ अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, तो पहला पार्ट तो वही हो गया देखो सेम, और फिर दूसरे में कह रहा है जीडीपी एफसी निकालना है, तो इस बार एमपी नहीं निकालना, जीडीपी एफसी निकालना है, तो निकाल लेंगे वो, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले आप सॉल्यूशन लिखो, तो हेडिंग डाल लो, पहले निकाल लेते हैं वैल्यू एडेड बाय ए, फिर दो तीन लाइन छोड़ के लिख लो वैल्यू एडेड बाय बी, अब पहला आइटम दिया है जी सेल्स बाय फर्म ए, तो आइए इस पर एक टिप्पणी करें। अब उसने ये लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, काफ़ी बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब वो ऐसे लिख कर देता है खाली कि सेल्स बाय फर्म ए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये उसकी टोटल सेल्स दे रखी है, यानी इसमें सेल्स टू जो हाउस होल्ड्स हैं वो भी आ गई, इसमें जो उसने सेल्स टू अदर फर्म्स करी होंगी वो भी आ गई,
इसमें जो उसने सेल करी होगी सरकार को वो भी आ गई, और इसमें अगर उसने कोई विदेशों में माल बेचा होगा तो वो भी आ गया। इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के जब देता है सेल्स बाय फर्म ए, तो इसका मतलब है ये उसकी टोटल सेल्स उसने दे दी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। इसी तरह चौथा आइटम देखो, चौथे आइटम में क्या दे रखा है, सेल्स बाय फर्म बी, तो इसका मतलब भी वही है कि बी की इसमें सारी सेल्स आ गई, ये टोटल सेल्स दे रखी हैं। तो बी ने अगर हाउस होल्ड्स को कुछ बेचा, बी ने अगर फर्म्स को कुछ बेचा, बी ने अगर सरकार को कुछ बेचा, बी ने अगर विदेशों में कुछ बेचा, वो सब कुछ मिला जुला करके ऑलरेडी टोटल 2000 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ आ गया पॉइंट। तो सेल्स वर्ड का मतलब ये होता है, खाली सेल्स देने का मतलब कि उसमें सब कुछ आ गया, ठीक है ना। तो चलो तो पहले यही फिगर लिख लेते हैं। तो सेल्स बाय फर्म ए, ए के नीचे लिख लो 1000, और सेल्स बाय फर्म बी, बी के नीचे लिख लो 2000। तो दोनों की सेल्स तो हमें पता चल गई, दे रखी है 1000 और 2000। अब आगे पढ़ते हैं जी, और क्या दे रखा है। अब दिया है अगला आइटम, परचेज फ्रॉम बी बाय ए, इसका मतलब है ए ने खरीदा बी से। तो ए ने खरीदा बी से, तो इसका मतलब ए के लिए आप परचेज हो गई, तो माइनस कर दो ए में। अब ये इंटर फर्म ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ये इंटर फर्म ट्रांजैक्शन है कि नहीं बताओ, है। तो ए ने खरीदा बी से, तो इसका मतलब अगर ए ने खरीदा है बी से तो बी ने क्या करा होगा, बेचा होगा, सेल करा होगा। तो इसका मतलब इसको आप, ओ नहीं, ये टोटल परचेज नहीं है, ये तो अभी परचेज उसने बोली कि परचेज उसने करी किससे करी, बी से करी। ए ने किससे खरीदा, बी से खरीदा, तो ए के लिए तो परचेज हो गई, लेकिन मेरा पॉइंट ये पूछने का है कि बी के लिए क्या है, ये सेल हो गई। तो ये महोदय ये कह रहे हैं टेल सेल्स तो टोटल दिया है, तो मैं कहाँ ऐड कर रहा हूँ मैडम, मैं भी यही लिखने वाला था, वो तो आपने मेरी बात बीच में होने नहीं दी। मैं यही लिखने वाला था कि ये जो 400 है ये इसके अंदर मतलब इंक्लूडेड है 2000 के अंदर। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बी ने जो सेल करी भी होगी ना, तो वो ऑलरेडी इस 2000 के अंदर ही आ गई। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आपको अलग से 400 जोड़ना नहीं है, ओके। चलो तो बस इसी बात का ध्यान रखना है, इसीलिए इस पर फोकस कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट आइटम दे रखा है परचेज फ्रॉम ए बाय बी। अब बी ने खरीदा ए से, तो ये बी की परचेज है, तो बी में तो आप माइनस कर दो 600, और इसका मतलब ए की क्या होगी, ये सेल। लेकिन ये अलग से ऐड करना है क्या, क्योंकि ए की सेल हमें टोटल दे रखी है, तो इसका मतलब वो 600 उसके अंदर ऑलरेडी हो चुके होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। बस अब सिंपल है कहानियां। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए 200 दे रखा है, और एक लाइन छोड़ के ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए 250 दे रखा है। तो पहले ए का सॉल्व कर लेते हैं, ए का चेंज इन स्टॉक क्या आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 200 माइनस 250, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी और ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी, तो बी का भी आप चेंज इन स्टॉक लिख लो, कितना आएगा, 350 माइनस 450, तो ये आ गए चेंज इन स्टॉक। तो क्लियर हो गए सारी, सबको बिल्कुल ओके। बस तो आप इसको सॉल्व कर लो पूरे मैथमेटिक्स को, तो आपको दोनों के वैल्यू एडिड पता लग जाएंगे। तो अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 550। तो ए का वैल्यू एडिड आ रहा है 550, और बी का वैल्यू एडिड 1300, 1300 है ना, मैथ्स
भाई ये तो सबको क्लियर है, इसमें मेरा रोल नहीं है कोई, ये आपके गणित के टीचर का रोल है, मेरा रोल खत्म हो चुका था पहले ही। अब अगर आप दोनों फर्म्स के वैल्यू एडेड को जोड़ दोगे तो बताइए ये क्या आएगा, क्या आएगा? जीडीपी एमपी। तो ये आप लिख लो, दोनों फर्म्स के वैल्यू एडेड अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? जीडीपी एमपी। पर क्वेश्चन ने तो दूसरे पार्ट में आपसे कुछ और पूछा है, उसने तो जीडीपी एफसी पूछा है, तो यहां पे कन्वर्जन का काम शुरू। तो हम जीडीपी एफसी कैसे निकालेंगे? जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी गुड। तो इसीलिए कन्वर्जन बच्चों को शुरू में सिखाते हैं। तो जीडीपी एमपी है 1850 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको लास्ट में कितना दे रखा है दिया नहीं है, तो जीरो ले लें। अच्छा 300, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ए एंड बी बोथ 300, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के दे रखे हैं मिलाकर 300, तो इसको आप माइनस कर दो तो आपका क्या आंसर आ गया फाइनली 1550। तो समझ आ गया बच्चों? चलो तो बस ऐसे ही करेंगे, तो धीरे धीरे सवाल जो है वो अलग वैरायटी के मुश्किल होते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, इस पे आप स्टार लगा लें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म सी, तो आपको फर्म सी का वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक है? तो फर्म सी का वैल्यू एडेड निकालेंगे, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी 200, ए ने बी को बेचा, ठीक है? तो आइए मेरे साथ साथ सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद दे रखा है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी का मतलब है कि कोई फर्म बी होगी उसका वैल्यू एडेड दे रखा है 400। उसके बाद वैल्यू एडेड बाय फर्म डी, कोई फर्म डी भी होगी तो मतलब इस क्वेश्चन में तो कितने फर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4, चार फर्म्स हैं ए बी सी डी, ठीक है? फिर उसके बाद कह रहा है सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म बी, फर्म बी ने मतलब फर्म सी ने बी को बेचा, ठीक है 700। और उसके बाद दे रखी है फाइनल सेल्स, फाइनल सेल्स है 1300। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताता हूं, हालांकि इसका एक मेन पॉइंट हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे लेकिन अभी सिखाने के लिए अभी भी बताना पड़ेगा। फाइनल सेल्स किसे कहते हैं वो समझा देता हूं। तो अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो बहुत सारी फर्म्स जो होती हैं वो इस तरह से इंटरकनेक्टेड सी होती हैं कि जो सबसे पहली फर्म है मान लेते हैं ए, वो अपना माल बी को बेचेगी, बी अपना माल सी को बेचेगा, सी अपना माल डी को बेचेगा, लेकिन जो फाइनल सेल्स करेगा कंज्यूमर को वो कौन करेगा? डी करेगा। तो कई बार इस तरह की चेन होती है, जैसे मान लेते हैं किसान ने गेहूं उगाया, अब किसान अपना गेहूं किसे बेचेगा? मान लो किसी मिल फैक्ट्री को बेचेगा, मिल फैक्ट्री वाला उस गेहूं को पीस पीस के आटा बना देगा और वो मिल फैक्ट्री वाला आटा जो है वो किसी बेकर को बेच देगा, बेकर उसी आटे से केक्स बना देगा, पेस्ट्री बना देगा या कुकीज़ बना देगा। तो अल्टीमेटली कस्टमर को कौन माल बेचेगा? बेकर। तो कई बार इस तरह की चेन बन जाती है। तो फाइनल सेल्स मतलब किसे कहते हैं वो समझाना मुझे इम्पॉर्टेंट था। फाइनल सेल्स का मतलब होता है जो फाइनली ग्राहक को बेचा जाता है, यानी कि कंज्यूमर को जब फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसे हम फाइनल सेल्स कहते हैं। पहले इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये बताओ कि फर्म ए का जो वैल्यू एडेड होगा वो कैसे निकालेंगे? हम उसका सेल और उसका परचेज माइनस कर देंगे। फर्म बी का वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? हम उसका सेल और उसका परचेज माइनस कर देंगे। फर्म सी का वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? उसका सेल और उसका परचेज माइनस कर देंगे। और फर्म डी का वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे?
उसका सेल और उसका परचेज माइनस कर देंगे। तो एक फॉर्मूला जो मुझे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाना है वो ये कि जब भी सारे फॉर्म्स के वैल्यू एडेड को जोड़ दिया जाता है ना बच्चों जी, जब भी सारे फॉर्म्स के वैल्यू एडेड को जोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा बराबर आता है फाइनल सेल्स की वैल्यू के। ये बात मुझे आपको सिखानी थी इस क्वेश्चन के माध्यम से, हालांकि हम आगे डिटेल में सीखेंगे लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ रहे बात, तो आप अपने सॉल्यूशन इसी तरह से स्टार्ट करिए। तो पहले आप ये लिख लीजिए, मैं हाथ का निशान बना देता हूँ, कि वैल्यू एडेड ए का प्लस वैल्यू एडेड बी का प्लस वैल्यू एडेड सी का प्लस वैल्यू एडेड डी का इज इक्वल टू फाइनल सेल्स। ये एक फॉर्मूला है जो हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आ गया तो हमें लिखना पड़ रहा है। तो पहले आप ये लिख लो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि वैल्यू एडेड निकालना है आपको फर्म सी का, तो मैं उसको ब्लू हाईलाइट कर देता हूं, यानी कि क्वेश्चन आपसे ये फिगर जानना चाहता है, ब्लू वाली, वो वैल्यू एडेड सी का जानना चाहता है, राइट। अब उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान ध्यान से पढ़ते हैं। पहले उसने दिया सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, ए ने बी को बेचा, तो पहले देख लेना ध्यान से, 200 रुपये। तो अब ए ने अगर बी को बेचा तो बड़े ध्यान से पहले देखना बाद में नोट करना, तो ए के लिए तो ये सेल हो गई और बी के लिए ये क्या हो गई, परचेज। तो समझ गए मेरे मैथमेटिक्स करने का तरीका, तो ए के लिए सेल हो गई 200 की और बी के लिए क्या हो गई, परचेज हो। अच्छा, उसके बाद उसने अगला आइटम दे रखा है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी 400। इसका मतलब उसने फर्म बी का तो वैल्यू एडेड का ही आंसर आपको दे रखा है, यानी कि फर्म बी का मुझे ये ब्रैकेट का आंसर ही सीधा पता है कितना है, 400। तो क्वेश्चन ने आपको फर्म बी का वैल्यू एडेड ही दे रखा है 400। क्लियर हो गया पॉइंट भाई, सब बच्चों को क्लियर हो गया, फर्म बी का वैल्यू एडेड गिवन है 400। फिर उसके बाद उसने दे रखा है नेक्स्ट आइटम वैल्यू एडेड बाय फर्म डी, फर्म डी का भी उसने वैल्यू एडेड दे रखा है, देखो। तो इसका मतलब फर्म डी जो है आखिरी वाली, इसका वैल्यू एडेड भी गिवन है 300। ओके, और फिर उसने दिया है लास्ट सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म बी, सी ने बी को बेचा, सी ने बी को बेचा, तो इसका मतलब सी की सेल हुई होगी, सी की सेल कितनी हुई होगी, 700 की है ना, और बी के लिए क्या हुई होगी, ये परचेज हुई होगी एक तरह से, मतलब समझने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, समझ आ गया पॉइंट। तो जितनी फिगर पुट करी उससे सब बच्चे संतुष्ट हैं भाई, ओके। फाइनल सेल्स 1300, वो तो हम लिख ही चुके। तो अब हमें वैल्यू एडिड्स निकालने हैं। अब ए का उसने कोई परचेज दे रखा है क्या, कोई परचेज नहीं दे रखा, तो वो आप जीरो ले लो, नहीं दे रखा तो ए में क्या ले लेंगे, जीरो। तो ए का वैल्यू एडेड का आंसर कितना आ जाएगा, 200, तो 200 लिख लो, तो ए का वैल्यू एडेड आ गया 200, ठीक है। बी का वैल्यू एडेड तो ऑलरेडी दे रखा है 400, राइट। सी का वैल्यू एडेड तो हमें फाइंड करना है, इसको एक्स लिख लूं, सी का वैल्यू एडेड तो हमें फाइंड करना है ना, तो उसको एक्स लिख लें, और डी का वैल्यू एडेड 300, वो दे ही रखा है। तो चारों के वैल्यू एडेड बराबर होंगे किसके, फाइनल सेल्स के 1300 के। तो ये आपकी एक अब इक्वेशन बन गई। तो अब आप इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो अब आपका एक्स का आंसर कितना आ गया, 400। तो बेसिकली यही आंसर है। तो देयरफॉर वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज इक्वल टू 400। तो ये एक अलग प्रकार का हॉट्स क्वेश्चन था इनफैक्ट, तो इसीलिए इस पर स्टार बनवाया, क्योंकि इसमें एक दूसरा फॉर्मूला लग रहा है। तो क्लियर हो गया पहले एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था स्पेशल।
चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी। चलो तो ये फिर से सिंपल, तो वैल्यू एडेड ए का निकालना है और बी का निकालना है। चलो तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हम निकालते हैं वैल्यू एडेड बाय ए और इधर निकाल लेते हैं वैल्यू एडेड बाय बी। फॉर्मूला हमें पता ही है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो तो पहला आइटम पढ़ते हैं जी। पहले आइटम में लिखा है सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट। फर्म बी ने गवर्नमेंट को बेचा तो इसका मतलब बी के लिए ये आप ऐड कर दोगे 1000। तो बी में आप सेल के नीचे लिख सकते हो 1000। फिर उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए, बताओ इसका मतलब क्या। फर्म ए ने जितनी भी सेल्स करी हैं वो सारी आ गई, इसका मतलब फर्म ए की टोटल सेल्स इसमें आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है ना, जो भी इसने बेचा होगा। मतलब मैं दोबारा से लिख देता हूं, तो चाहे इसने हाउस होल्ड्स को बेचा, चाहे इसने फर्म्स को बेचा, चाहे इसने सरकार को बेचा या एक्सपोर्ट करा, वो सब कुछ इसमें आ गया। उसके बाद नेक्स्ट परचेजेस बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम बी। तो देखो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ने हैं, इसका मतलब कह रहा है हाउस होल्ड्स ने खरीदा फ्रॉम बी, बी से खरीदा, तो इसका मतलब बी के लिए क्या है ये सेल। वेरी गुड, तो बी की सेल में ऐड कर लो। समझ आ गया भाई, आपको अंग्रेजी पैसिव वॉइस दे रखी है ना, पैसिव सेंटेंस दे रखा है, एक्टिव पैसिव करते थे ना बचपन में जब हम छोटे थे। उसके बाद एक्सपोर्ट्स बाय बी, अब एक्सपोर्ट्स बाय बी ये क्या दे रखा है आपको, ये भी बी की सेल है, इसका मतलब ये बी ने कहां बेचा, विदेशों में बेचा, तो ये भी आप बी के सेल में ऐड कर लो। उसके बाद चेंज इन स्टॉक ऑफ ए, ए का चेंज इन स्टॉक इसको कहां लिखेंगे, तो ए के चेंज इन स्टॉक को आप ऐड कर लो, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ए में ऐड कर लो चेंज इन स्टॉक 200। उसके बाद दे रखा है चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, बी का चेंज इन स्टॉक किस में ऐड कर लो, बी में ऐड कर लो। तो यहां तक ओके हैं सब बच्चों को। उसके बाद जी इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, ए ने इंपोर्ट करे, इसका मतलब ए ने खरीदा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ए में माइनस कर दो। उसके बाद जी सेल्स बाय फर्म जेड टू ए, अब जेड फर्म ने ए को बेचा तो इसका मतलब ए ने क्या करा होगा, खरीदा होगा, तो ये भी ए में आप माइनस कर दो 2500। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को। और लास्ट परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए, बी फर्म ने ए से खरीदा तो बी में आप क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि बी फर्म ने खरीदा है और ए ने बेचा भी तो होगा ये। वेरी गुड, तो ए की तो टोटल सेल्स आई गई ना, तो इसका मतलब ये इस 5000 के अंदर ए की सेल में ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होगा। समझ आ गया पॉइंट। चलो तो बस अब आप दोनों गणित सॉल्व करें और आंसर निकालें। तो ए का मैडम कह रही है 2000, जो गलत सा लग रहा है शक्ल से, नहीं गलत नहीं सही लग रहा है सॉरी शक्ल से, और बी का 2600। ओके तो सब बच्चे इससे सहमत हैं। चलो तो समझ आया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कैसे, चलो ठीक है बढ़िया। और देखते हैं सवाल, तो 2000 और 2600। चलो अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट जी वी ए एफ सी, तो जी वी ए एफ सी मतलब एक तरह से आपको
ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालना है, लेकिन वो ग्रॉस वैल्यू एडिड किस पर निकालना है, एट फैक्टर कॉस्ट। चलो तो इसमें सॉल्यूशन से ही शुरू करते हैं। तो जी वी ए एम पी इज इक्वल्स टू, बताओ फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू एडिड का। वेरी गुड, तो जी वी ओ एम पी बोल रहे हो आप, तो मैं उसको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख देता हूँ और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। तो सेल्स दे रखी हैं 700, तो सेल्स के नीचे लिख लो 700। डेप्रिसिएशन का कुछ करना है क्या, तो डेप्रिसिएशन आपको पागल बनाने के लिए दिया है। वेजेस एंड सैलरीज का कुछ करना है क्या, तो ये आपको पागल बनाने के लिए दिया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कुछ करना है क्या, क्या करना है, तो 400 माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक का कुछ करना है क्या, क्या होता है फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक है 100, उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चेंज इन स्टॉक बन गया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लियर है सबको। उसके बाद जी सब्सिडीज दे रखी हैं, इसको अभी छोड़ दो फिलहाल। और उसके बाद दे रखा है जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओ माय गॉड, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो अब क्या करें, माइनस कर देंगे माइनस 200। वेरी गुड, तो ये वो नलायकी है जो आपको नहीं करनी, क्योंकि जब आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये वर्ड दे दिया तो ये तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी एक मेन हेडिंग दे दी ना 400, और आपने लिख तो लिया देखो आईसी के नीचे 400, तो दैट मीन्स उसमें सब कुछ आ गया, उसमें आपने जो भी खरीदा होगा वो सारा आ गया, टोटल परचेज आ गई वो। ठीक है बासु सेठ, तो ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है ना 200, ये इसका मतलब उसी 400 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दी ना उसने, मेन हेडिंग दे दी। समझ आ गया पॉइंट, तो ये भी आपको एक तरह से क्यों दे रखा है, पागल बनाने के लिए। तो तीन आइटम इसमें पागल बनाने के लिए आपको दे रखे थे। चलो तो पहले इतना सॉल्व करो, मैथ्स करके क्या आएगा 250। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है जी वी ए एफ सी, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला था ना एफ सी इज इक्वल टू एम पी माइनस एन आई टी, तो अब जी वी एफ सी का फॉर्मूला लिख लो इज इक्वल टू जी वी एम पी माइनस एन आई टी। तो ये कन्वर्जन का यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने, तो इसीलिए पहले कन्वर्जन सिखाए जाते हैं जो आपको नहीं आता। तो जी वी एम पी 250 और एन आई टी का फॉर्मूला भी बोलना ज़रा एक बार। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 0 नहीं दे रखा, और सब्सिडीज कितने दे रखे हैं, 50। तो क्या हो गया 300, तो आपका जीबीएफसी का आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, समझ आ गया। चलो तो जी वी एफ सी आ गया 300। तो बेसिकली फॉर्मूला और कन्वर्जन दोनों का एप्लीकेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी अगला। कैलकुलेट जी वी एम पी फॉर ए एन बी, तो मतलब पहला पार्ट तो वही, वैल्यू एडिड निकालना है ए का भी और बी का भी, और बाद में कह रहा है नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम का बताओ एग्रीगेट क्या होता है। वेरी गुड, तो ये देखो कितने बढ़िया इन्होंने रट्टे मार रखे हैं बच्चों ने।
वेरी गुड, तो यही रट्टे सबको मारने हैं। तो नेशनल इनकम मतलब NNPFC और डोमेस्टिक इनकम NDPFC, है ना। तो ये तो रट्टा मारना ही है। चलो तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, GVA MP A का निकालना है और GVA MP B का भी निकालना है, मतलब वही वैल्यू एडिड को GVA MP भी कह देते हैं। चलो तो अब मैं आपसे पूछता रहूं इस बार थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले उसने दिया है सेल्स बाय ए 1000, कहां लिखेंगे बोलो ना। ए की सेल में लिखेंगे सर, ए के सेल्स में लिख देंगे। फिर उसने दिया है सेल्स बाय बी, कहां लिखेंगे, बी की सेल्स में लिख देंगे 2000। फिर उसने दिया है NFIA, ये अभी छोड़ दो। फिर उसने दिया है जी चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, कहां लिखेंगे, बी में ऐड तो कर देता लेकिन वो माइनस 200 है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। उसके बाद दिया है जी क्लोजिंग स्टॉक ए का और ओपनिंग स्टॉक ए का, इन्हें कहां लिखेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ए में लिख देंगे ऐड। यहां तक ओके। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अपने हाथों पे चेक करो एक टैटू क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये तो एक कन्वर्जन का टूल है ना, टूल वन, तो इसको छोड़ दो। इनडायरेक्ट टैक्स ये भी कन्वर्जन का टूल है, टूल थ्री, इसको भी छोड़ दो। फिर है जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए, बताओ ये क्या है, हाँ तो ए में माइनस। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय बी, ये क्या है, बी में माइनस। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स बाय बी, ये क्या है, बी ने सेल करी विदेशों में, तो इसका क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। वेरी गुड, तो ये है नलायकी की पहचान, ठीक है। तो अब बत्ती जल गई, तो अब क्यों नहीं करेंगे सेल्स में ऐड, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी दे रखी है ना आपको, यही तो सिखाया था। जब उसने लिख दिया सेल्स बाय बी, इसका मतलब इसमें बी की सारी सेल आ गई, इसी बात का ध्यान रखना है। तो ये जो 70 रुपए के एक्सपोर्ट्स हैं ये इसी के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, क्लियर। चलो तो अब ए का वैल्यू एडिड बताओ, सॉल्व करके क्या आ रहा है, 450, और बी का 1200। तो अगर मैं दोनों के वैल्यू एडिड को जोड़ दूं तो बताओ ये क्या है, GDP MP। वेरी गुड, तो GDP MP आपका आ गया 1650, मतलब यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन हमें क्या निकालना है जी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNPFC। तो अब कन्वर्जन का सहारा ले लेते हैं, तो बताओ फॉर्मूला, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। बस अब आप पुट कर दो सारी बातें, तो GDP MP है 1650 और डेप्रिसिएशन कितना दिया है 180 और NFIA 20 और NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी को जीरो ले लेते हैं फिर। तो ये गणित सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है 1370। तो ये आपकी नेशनल इनकम आ गई, दिस इज नेशनल इनकम।
फिर है नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही छोटा सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सेल्स निकालना है आपको निम्नलिखित जानकारी से। तो उसने दे रखा है जी NVAFC दे रखा है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स और चेंज इन स्टॉक दे रखा है, ठीक है। चलो तो सर हमें तो कुछ नहीं पता, आप ही करवाओ। चलिए तो मैं करवाता हूँ, लिखो सॉल्यूशन। तो GVAMP यानी कि वैल्यू एडिट का फॉर्मूला बता दो बस आप, क्या होता है? ठीक है, तो पहले यही लिख लेते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस, हाँ और क्या, नहीं तो तुम जैसे नालायक सीखेंगे कैसे? पता तो सब कुछ है लेकिन लिख लिख के घिस घिस के तब दिमाग में फिट करना है। तो सेल्स तो देखो बच्चों हमको नहीं पता, वो एक्स लिख लो, सेल्स तो निकालनी है ना, कैलकुलेट सेल्स। चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या? तो चेंज इन स्टॉक की जगह लिख लो -50। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है क्या? ठीक है 200 ये लिख लो। अब GVAMP अगर कहीं से पता लग जाए तो बस फिर तो सेल्स आ ही जाएंगी। अगर GVAMP भी पता लग जाए तो फिर तो हम सेल्स निकाल लेंगे, फिर तो इक्वेशन बन जाएगी। तो अब GVAMP जो है वो हमें डायरेक्टली उसने नहीं दे रखा, लेकिन उसने NVFC दे रखा है। पर आप कन्वर्ट करना जानते हो, आप N से G भी निकाल सकते हो और FC से MP भी पहुंच सकते हो, है ना, आपको कन्वर्जन सिखा रखे हैं, क्यों मासू भाई, है ना। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो अगर GVAMP मुझे निकालना हो तो देखो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आप बताना कि आप संतुष्ट होगी नहीं। तो GVAMP को कन्वर्ट कर लेते हैं हम NVAFC। तो पहले आप कोशिश करो कन्वर्ट करने की, LHS में ग्रॉस दे रखा है तो ग्रॉस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और LHS में MP दे रखा है, MP इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। तो ये आपका देखो बन गया ना कन्वर्जन, तो इसीलिए पहले कन्वर्जन सीख लेते हैं। तो अब आप इसमें NVFC दे रखा है 300, वो पुट कर लो, डेप्रिसिएशन दे रखा है 30, वो पुट कर लो, NIT दे रखा है 20, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, वो पुट कर लो। तो आपका GVAMP कितना आ गया 350। अब इस GVAMP को ऊपर पुट कर लो, तो GVAMP की जगह 350 लिख लो। क्लियर हो गया? तो बस अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो 350 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 250, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 600। तो आपका सेल्स का आंसर आ गया 600। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया? तो ये भी देखो एग्जाम का 3 नंबर का क्वेश्चन था। सर उसके बाद एक और क्वेश्चन कराओ 13। तो 13 और कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ही मजेदार। 13 में कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी निकालते हैं। पहले जरा दोबारा से GVAMP का फॉर्मूला बोलना। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, लेकिन मैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस IC, तो आपको तकलीफ तो नहीं है मैं ये लिख दूँ? तो लिखो, आप भी लिखो। तो GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमको निकालना है, इसके नीचे लिख लो X, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करना है। माइनस IC दे रखा है क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, तो IC के नीचे लिख लो 75। तो अगर GVAMP मिल जाए
तो फिर आप निकाल लोगे आंसर एक्स का, है ना। तो जीवीए एमपी निकालने के लिए अब हम फिर से क्या करेंगे, बोलो नलायकों। एनवीए एफसी दे रखा है देखो सबसे ऊपर, तो एनवीए एफसी को कन्वर्ट कर लो, वही फॉर्मूला बन गया दोबारा से, एनवीए एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब वैल्यू पुट करते हैं, एनवीएफसी है 100, डेप्रिसिएशन कितना है जी 10, कहां पे पता चला, वेरी गुड। तो ये इसका मतलब तुम भी अब होशियार बन रहे हो मेरे साथ रहते रहते। और एनआईटी का फॉर्मूला, वेरी गुड, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी होती है इनडायरेक्ट टैक्स, तो 20 माइनस सब्सिडी 5, तो जीवीएमपी कितना आ गया सॉल्व करके 125, ठीक है। अब आप जीवीएमपी में पुट कर दो 125 ऊपर, तो आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन गई। तो अब एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 200। तो बेसिकली दिस इज योर आंसर। तो ये दूसरे सेट में क्वेश्चन ये आया था 3 नंबर का, तो पहले सेट में वो था, दूसरे सेट में ये था। सर तीसरे सेट में कौन सा था? तो तीसरे सेट में भी वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 14 ये भी कर लेते हैं जल्दी से, छोटे छोटे क्वेश्चन। कैलकुलेट एनवीएफसी, ठीक है, तो एनवीएफसी कह रहा है निकालने को, वो तो खैर निकाल लेंगे हम बाद में, कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में आप मुझे दोबारा से फॉर्मूला बोलें जीवीएएमपी का। ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो तो अब ढूंढते हैं सेल्स, ढूंढो कितनी दे रखी है सेल्स, दे रखी है 800। इसका मतलब ये कौन सी सेल है, टोटल इसमें सब कुछ आ गया, प्लस चेंज इन स्टॉक ढूंढो जी कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक है 50, तो 20 माइनस 50 माइनस आईसी ढूंढो जी, आईसी, आईसी कहाँ है मुझे तो दिख ही नहीं रहा कहीं, तो हाँ तो इंटरमीडिएट परचेज ही एक तरह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है 500। तो अब इस गणित को सॉल्व करो, बताओ जीवीएएमपी कितना आएगा 270, ऐसा कह रही है मैडम, ठीक है, तो जीवीएएमपी तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है अब, एनबीएफसी, तो उसको एलएचएस में लिख दो। तो कैसे निकालेंगे एनबीएफसी बताओ, अब एलएचएस में एन मतलब नेट है, नेट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, फिर एलएचएस में फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एमपी माइनस एनआईटी। तो देखो वो कन्या भी अगर सीख गई तो इसका मतलब तो भारतवर्ष का नलायक से नलायक बच्चा सीख गया। तो जीवीए एमपी की वैल्यू क्या दे रखी है 270, और डेप्रिसिएशन की क्या दे रखी है 30, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो 0 है और सब्सिडी 40। तो इस गणित को सॉल्व करिए 280, राइट, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया 280 एनवीएफसी का। अब इसमें आप देखोगे कितने आइटम आपको पागल बनाने के दे रखे हैं, एक दे रखा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो इसके अंदर आईसी के अंदर ऑलरेडी आ गया,
एक दे रखा है परचेज ऑफ मशीन। तो याद है मैंने आपको जब फॉर्मूला सिखाया था तो मैंने कहा था ना कि कभी कभी वो बोल देगा आपने कैपिटल गुड खरीद लिया, पर उसको तो हम नहीं लेते, तो ये भी बेकार हो गया पॉइंट। और एक उसने एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है, तो वो भी सेल के अंदर ही हो गया। तो तीन आइटम इसमें आपको बेवकूफ बनाने के लिए उसने दे रखे। क्लियर हो गया सर? एक लास्ट क्वेश्चन और करा दो बस, फिर खत्म ही हो जाएगा पूरा मेथड, मजा आ जाएगा। चलो तो 15th लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। इस पे एक सितारा लगा दो, बस छोटी सी बात के लिए लगा रहे हैं सितारा, वैसे तो इजी है। कैलकुलेट GVAFC। ठीक है, तो GVAFC तो निकाल ही लेंगे, लेकिन एक बार सॉल्यूशन में दोबारा से आखिरी बार बताओ मुझे आज के लिए GVMP का फॉर्मूला। बोलो ना अपने मुंह से। हाँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। चलो अब पहले दो आइटम पढ़ने और उसी पे तारा बेसिकली इसी के लिए लगाए, पहले दो आइटमों के लिए लगाए। अब पहले आइटम में लिखा है जी यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड का मतलब होता है कि आपने कितने डब्बे बेचे, कितने डब्बे बेचे, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो आपने 1000 डब्बे बेचे और नीचे लिखा है जी प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक डब्बे का क्या दाम है, 30 रुपये। तो बताइए अगर आपने 1000 डब्बे बेचे और एक डब्बे का दाम 30 रुपये है तो 30,000 क्या आ गई, सेल आ गई। वेरी गुड। तो बस इसी बात के लिए सितारा सवाल में लगवाया था, तो सेल्स के नीचे आपको 30,000 लिखना है। क्लियर हो गया पॉइंट सब बच्चों को? तुम्हें क्लियर हो गया? तो इसका मतलब सबको हो गया। चलो अब उसके बाद बस अब चेंज इन स्टॉक ढूंढते हैं। तो चेंज इन स्टॉक कहाँ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 3000 माइनस 2000 और माइनस IC कहाँ है, इंटरमीडिएट परचेज 12000। तो बस अब ये पूरी गणित सॉल्व करके क्या आएगा, 19,000। लेकिन हमें निकालना है GVAFC निकालना है। तो कैसे निकालोगे, FC का फॉर्मूला GVMP माइनस NIT। तो GVMP तो 19,000 है, अब NIT का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कितने रुपए के हैं, 6,000। और माइनस सब्सिडी है क्या, तो क्या आंसर आ गया जी, 13,000। तो ये है आपका आंसर और ये है आपका वैल्यू एडेड मेथड, जिसके सारे सवाल हमने कर लिए। तो समझ आ गया? चलो तो आज का होमवर्क क्या है, मतलब रिवाइज करना है अच्छे से सारे क्वेश्चन, हो सके तो एक बार दोबारा से बिना देखे करने का।